आपके लिए, तो पहला काम जॉब्स, यहाँ पे आके आप कौन सी जॉब इजीली अर्न कर सकते हो ना पैसे, वो मैं नहीं कहूंगा कि भाई आप ना ऑनलाइन अप्लाई करते रहो फिर उसमें चांस मिलेगा। भाई सीताराम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। मुझे पता है मैं बहुत मे बी मोर देन 200 डेज, 200 दिन के बाद मैं कम बैक कर रहा हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा काम में बिजी रह गया था। आय हाय, मैं हडर्सफील्ड से कहीं और आ गया हूँ, जो सरप्राइज है, जो कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। और तो और मैं आपको बताऊं तो काफी सारी गुड न्यूज के साथ मैं आ चुका हूँ फिर से। एकदम बहुत काम था मुझे, जो कि सरप्राइज भी है आपके लिए दिखाने के लिए, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये वीडियो। जो नए नए लोग यहाँ पे यूके में आए हैं, उन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, तो जॉब के बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और तो और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो रहा है क्योंकि पीछे ना काम चालू है, जो कि एक बड़ी बिल्डिंग थी उसको गिरा करना, फिर से नया कुछ चीजें ये बना रहे हैं। तो मैं अभी बहुत, देखो यार, अभी लोकेशन में रिवील नहीं करूंगा, बाद में मैं करूंगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फिर ना एक बड़ा सा ना सरप्राइज भी आपके लिए। तो पहला काम जॉब्स, यहाँ पे आके आप कौन सी जॉब इजीली अर्न कर सकते हो ना पैसे, वो मैं नहीं कहूंगा कि भाई आप ना ऑनलाइन अप्लाई करते रहो फिर उसमें चांस मिलेगा, भाई चांस नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताऊं ना कि कौन से ऐप है, मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी तक ना उनमें से मुझे अभी तक जॉब भी नहीं मिली। मैं ऐसा ही, देखो यार, सबसे आसान रास्ता है जो लड़के है ना, लड़के लोगों के लिए जॉब, कंस्ट्रक्शन की लाइन पकड़ लो भाई, बहुत सारे पैसे उसमें मिल सकते हैं, जिसमें ना आप कोई भी बंदा ढूंढ लो। भाई देखो, ये काफी सारी चीजें हैं जो वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन आप समझ गए होंगे कि उसमें कौन सा वाला जॉब मिलता है। देखिए, आप बहुत पैसे नहीं बना सकोगे, लेकिन अपना खर्चा पानी निकाल लोगे, इंडिया से मंगवाना नहीं पड़ेगा, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है श्रीलंका से, वहां से मंगवाना नहीं पड़ेंगे, पैसे नहीं मंगवाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी का सिचुएशन 2023 का ऐसा है कि भाई इकोनॉमी देखो तो डाउन है, पैसे मतलब पाउंड के भाव ऊपर है, तो ये सब ना ढोकला बने। तो हाँ, कंस्ट्रक्शन ना वो लाइन पकड़ लो, ज्यादा अच्छा है। फिर देखो टेक अवे वाले को रिक्वेस्ट करो यार, तो ये सभी ना आसान से है जॉब, जो आप आसानी से आपको मिल सकते हैं, जहां पे आप थोड़ा सा ना घूमना पड़ेगा, क्योंकि जिधर कंस्ट्रक्शन की साइट के काम स्टार्ट हो रहे हैं ना, उधर देखो, उधर कोई मतलब कि मिलो उनसे, बात करो कि भाई मुझे जॉब चाहिए ये सी, क्योंकि ये काम ना हर जगह स्टार्ट रहता है ज्यादातर जगहों पे, तो उधर जाओ, शर्माओ मत, ठीक है, यहाँ पे आके और कॉन्टेक्ट बनाओ, जिधर भी जाओ नंबर देके आओ, बाद में उसके नंबर लेके आओ, अपना नंबर देके आओ, क्या पता कभी भी कोई भी बंदा काम आ जाए। टेक अवे पे जाके आओ, फिर बात करते हैं फीमेल के जॉब्स के लिए। तो केयर होम में फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ना लड़की लोगों को साइकिल, आप यहाँ पे आके ना फीमेल साइकिल ले लो, ठीक है, इफ यू हैव अ साइकिल, आप कोई भी जॉब आराम से इसमें ना कर सकते हो फीमेल के लिए, कोई भी जॉब मतलब कि केयर वर्कर में, क्योंकि अगर डोर टू डोर मिल गया तो फिर साइकिल पे इस दिन नजदीक के एरियाओं पे काम मिल सकता है। और आय हाय हाय हाय, बहुत ही सारा डस्ट आ रहा है पीछे, ये लोग काम करते क्या करते पता नहीं। तो केयर वर्कर का जॉब आपको मिल जाएगा, फीमेल्स के लिए आसान है ये जॉब लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने मेरी एक दोस्त को ना मैंने अभी जॉब दिलवाई है एज ए केयर वर्कर की, तो आसानी से मिल जाता है, नाइम रेफरेंस वेफरेंस कुछ नहीं था, बस मैंने कहा यहाँ पे जाके पूछ के आओ, अगर मिल जाए तेरे नसीब लग। देखो हर जगह पे बोर्ड लगाए हुए नहीं होंगे कि हम रिक्रूट कर रहे हैं, कभी कभार आप जाते हैं नसीब पर सिक्का लग जाता है तो भाई थप्पा लग जाएगा जॉब का, ठीक है। और दूसरा फीमेल के लिए वर्क में बताऊं तो अभी ना क्लीनिंग में बहुत अपॉर्चुनिटी है, फीमेल मेल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्लीनर्स की जॉब के लिए ना बहुत सारा है, मतलब जाओ करके आओ, ठीक है। क्लीनर्स का मतलब ऐसा है कि भाई काफी सारी क्लीनिंग कंपनीज है, ऑनलाइन सर्च करो, उसमें अप्लाई मत करो, सीधा कॉल करो कि भाई मैं काम किया है, जहां पे इंडिया पाकिस्तान मैंने इतने महीने किया है, उसका कोई सर्टिफिकेट लाइसेंस नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे होता है, हमारे कंट्री में नहीं होता, तो कहना एक्सपीरियंस वाले, और सीवी बिल्ड करो, ठीक है, अपना सीवी बहुत ही स्ट्रांग वाला बनाओ, थोड़ा थोड़ा काम करो। मैं जो आप एक चीज बताऊं तो इंडिया से जो केयर वर्कर के वीजा में आ रहे हैं, तो भाई थोड़ा रुक जाओ, अभी बहुत सारा ना इधर बहुत मतलब की प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या रीजन है नेक्स्ट, उसके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो आपको लड़के लोगों के लिए दो जॉब जो आसानी से मिल जाएंगे, कंस्ट्रक्शन और टेक अवे, टेक अवे पे नहीं है, कंस्ट्रक्शन ढूंढो,
गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यूके में जॉब्स है, जिसको नहीं करनी उसको नहीं मिलेगी, आपको जॉब करनी है कंस्ट्रक्शन में मिलेगी। मैं खुद करके आया हूँ, इतने कंस्ट्रक्शन में मैं काम किया, इधर अभी मैं एक्सपीरियंस वाला बंदा कंस्ट्रक्शन में हो गया हूँ, बहुत ही सारा एक्सपीरियंस मैंने उसमें ले लिया, एक साल होने वाला है मुझे, और मैंने तकरीबन आपको बताऊं तो 8 महीने कंस्ट्रक्शन में काम किया। अभी मैं अपना खुद का भी कर सकता हूं, मेरे को CSCS लाइसेंस चाहिए, तो मैं एज ए स्किल्ड वर्कर के रूप में मैं उसमें काम कर सकता हूं। तो फीमेल के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, फीमेल के लिए जो मैं अभी ना वो केयर वर्कर छोड़ो, क्लीनर छोड़ो, टेक अवे में भी मिल सकती है, लेकिन मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बीफ सब वो ना वेजिटेरियन लोगों को थोड़ा मुश्किल है। एक और फीमेल के लिए जॉब है जो है हम उसको मैं उसको क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर पे जाओ यार, कॉल सेंटर पे काम मिल सकते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फीमेल के लिए है। मेल ना हम लोगों को यार ऐसे मजदूरी वाले काम थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें अभी कम पैसे हैं, लेकिन फ्यूचर आपका ब्राइट हो सकता है उसमें, ऐसा काम छोटा मत समझना, क्योंकि यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है, आप स्किल्ड वर्कर के रूप में भी हो सकते हो पढ़ाई खत्म करने के बाद। बस और तो कुछ है नहीं, एक और जॉब्स का मैं रिसर्च करूंगा, उसके लिए आपको 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, 3 दिन के बाद ये वीडियो अपलोड होने के 3 दिन बाद एक और वीडियो आएगी जो कि दूसरे मतलब कि एक अलग तरीके के वर्क्स के लिए होगी, और मैं भी इन फ्यूचर बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करो कि मेरा एक काम है जो सक्सेस हो जाए तो मैं भी सब लोगों को हायर कर सकता हूँ काम के लिए, और वो मतलब कि मुझसे होगा उतनी मदद मैं भी करूंगा। माफ करना काफी टाइम के लिए मैं मतलब कि हिडन था, एज ए यूट्यूब से बहुत दूर चला गया था इसलिए, लेकिन कमबैक करूंगा तो भाई तगड़ा वाला कमबैक करने वाला था, तो ये तगड़ा वाला कमबैक का वीडियो को कम से कम 500 से 600 व्यूज तक पहुंचा दो या फिर 1000 दो, छोटी सोच नहीं रखूंगा मैं, मेरा टारगेट है कि 1000-2000 व्यूज लेके दो मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, आपके हाथ में है कि आप मुझे जितना ग्रो करोगे आपके लिए फायदा है, अच्छे काम करने वाले हैं हम, जितने मतलब कि ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए होगी, मैं जो एक काम है सक्सेस होगा तो आपको मैं जो अपनी कंपनी यहाँ पे हिंट दे दी यार मैंने तो उसमें आपको लगवा सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, फिर वीडियो को करते हैं एंड, राम राम सीताराम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, मिलते हैं अगले वीडियो में।